गाइस जब हम घर पे सूप बनाते हैं तो इतना टेस्टी नहीं होता जितना कि मार्केट वाला सूप टेस्ट होता है। आपको उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? मैं बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है गाइस, जो मार्केट वाले होते हैं वो अपने सूप में स्टॉक का यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्टॉक क्या चीज है। स्टॉक गाइस बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। वेजिटेबल स्टॉक होता है, चिकन स्टॉक होता है, फिश स्टॉक होता है और ब्राउन स्टॉक होता है। ये बेसिक स्टॉक होते हैं। अगर आप वेजिटेबल सूप बना रहे हैं या आप टमाटो सूप बना रहे हैं, अगर आप उसमें स्टॉक का वेजिटेबल स्टॉक ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके सूप में। मार्केट वाले जो होते हैं वो इसी स्टॉक को यूज़ करते हैं। अगर आप चिकन सूप बना रहे हैं तो आप उसमें चिकन स्टॉक यूज़ करेंगे। गाइज मैं आज बात करूँगा वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाते हैं। गाइज वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए जो आपको वेजिटेबल्स चाहिए वो आपको चाहिए कैरेट, अनियन, सेलरी। सेलरी बेसिकली गाइज कॉन्टिनेंटल एक वेजिटेबल होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च करना सेलरी, CELERY, आपको पिक्चर आ जाएगी उस वेजिटेबल की। अगर आप अपने मार्केट में पता करना आपको मिल जाएगी। आपको गाइज इन वेजिटेबल्स को रफली इनके चंक्स काट लेने, थोड़े मोटे मोटे इनको काट लेना है। देन गाइज आपको एक पैन में वाटर लेना है, करीब 1 लीटर आप वाटर ले लेंगे एक पैन में, उसको बॉईल करना है। जब गाइस जो वाटर है वो सिमरिंग कंडीशन में आ जाए, सिमरिंग मीन्स जब उसमें हल्के हल्के धीमी आंच में आप वाटर को पकाइए और जब उसमें हल्के हल्के बबल्स उठते हैं तो सिमरिंग कंडीशन होती है। सिमरिंग कंडीशन जब वाटर आ जाए तो आप उसमें इस वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए और उसके बाद आप इसमें थोड़े से तेज पत्ता डालिए, थोड़े से जो ब्लैक पेपर कॉर्न होते हैं, छोटी वाली काली मिर्च होती है उसको डालिए, 2-3 लौंग डालिए, थोड़ा सा गार्लिक डालिए और आप गाइस इनको कुक करिए। एक साथ आप इनको कुक करिए। अगर आप चाहें तो कुछ और भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, कुछ सीजनल अगर आप वेजिटेबल डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा गाइस। और गाइस आपको ये करीब 20 to 30 मिनट्स आपको ये कुक करना है और आफ्टर कुकिंग 20-30 मिनट आपको कुक करने के बाद आप इसको स्ट्रेन करेंगे और स्ट्रेन करने के बाद आप इसको ठंडा करके रेफ्रिजरेट कर देंगे। और गाइस आप जब भी कोई सूप बनाते हैं, अगर आप वेजिटेबल सूप बनाएं या कोई टमाटो सूप बनाएं, आप इस स्टॉक को उसमें ऐड करेंगे अपने सूप में, तो गाइस बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा आपके सूप में, बहुत ही टेस्टी सूप बनेगा आपका अगर आप इस तरीके से अपने सूप को बनाएंगे तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।